हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप लोग के बीच में बाघ रिजर्व लेकर आया हूँ का टॉपिक है, जो इससे सवाल आपका एग्जाम में पूछते रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गडप क्लास गो में। और इस भी एग्जाम के लिए बनाया गया है आपका रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस फायरमैन, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को और फटाफट सब मिलकर लाइक भी कर देंगे, और हमारे गडप क्लासेस गो पर जो इस वीडियो को नए देखेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। और देखने के बाद जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि आज का जो टॉपिक है बाघ रिजर्व, भारत में जो बाघ रिजर्व है वो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर बताएंगे आप एक कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल, तो शुरू करते हैं जो टॉपिक है आज का बाघ रिजर्व। तो इसमें यहाँ देखेंगे हम लोग पहले भारत के जो बाघ रिजर्व जो, तो इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल से। मैं सारी चीज़ बताऊंगा किस राज्य में कितने बाघ रिजर्व हैं, कौन कौन सा बाघ रिजर्व है, ये राज्य बाई राज्य मैं बता दूंगा। तो पहले उसके पहले थोड़ा सा अलग से आपको मैं एक पॉइंट लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देखें भारत में, अगर कुछ देर भारत में पहली बार गणना कब हुआ था बाघ का, भारत में पहली बार बाघ गणना कब हुआ था ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ दे तो 1972 याद रखेंगे। तो ये मोस्ट है आपका, भारत में पहली बार बाघ गणना कब हुआ तो 1972, ये पॉइंट एक मोस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछते रहता है। जी बिल्कुल याद रखें। और उसके बाद पूछिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे याद रखिए जब 1 अप्रैल 1973 में पूछेगा आपका, आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सी एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व में आपका शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। जी बिल्कुल याद रखें। और इसके लिए जो आपको जो WWF से मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो WWF से मिलती है, ये पॉइंट याद रखें। वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो आपको देता है, इससे एक एग्जाम में पूछते रहता है कि जो WWF की स्थापना कब हुई, एक पॉइंट याद रखें। तो अगर WWF की स्थापना पूछे तो 1961, जी बिल्कुल याद रखें। और इसका मुख्यालय आपका पूछे तो गलांड, जी बिल्कुल WWF का मुख्यालय कहाँ, तो आपका गलांड में जो स्विट्जरलैंड में। और आपसे पूछे कि कब स्थापना हुआ WWF का, तो 1961। और WWF का प्रतीक चिन्ह तो ज्वाइंट पांडा, ये पॉइंट याद रखें जो आपके एग्जाम में पूछते रहता है बिल्कुल हमेशा। तो चलते नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आपके पूछे जब 1973 में बाघ रिजर्व हुआ था तो कितने राज्यों में बाघ रिजर्व था, तो 9। जी बिल्कुल, 1973 में जब बाघ आपका रिजर्व जो हुआ था तो 1973 9 बाघ रिजर्व थे, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और नेक्स्ट पूछे वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में बाघ संरक्षण है, वर्तमान में कितने राज्यों में, तो यहाँ पे पॉइंट याद रखें 18 राज्यों में, कितने राज्यों में, 18 राज्यों में आपका बाघ संरक्षण उद्यान है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे पॉइंट बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान है। चलते नेक्स्ट आपका, अब पूछे बाघ परियोजना कब शुरुआत की गई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973। जी बिल्कुल, ये भी पॉइंट याद रखें, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973। जी बिल्कुल, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें जब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पहली बार बाघ गणना हुआ 1972, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी, ये पॉइंट याद रखें। इस टाइप पर भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो चलते नेक्स्ट आपका, अब देखिए यहाँ पे बाघ परियोजना 1973, ये तो क्लियर हो गया हम लोग। अब चलें नेक्स्ट, जो विश्व की सबसे बड़ी वन जीव परियोजना है, जो बिल्कुल याद रखें, जो विश्व की सबसे बड़ी वन जीव परियोजना है जो आपका बाघ परियोजना 1973। जी बिल्कुल, आप पूछे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किसने किया था, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जी बिल्कुल याद रखें, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व हुआ, उसका कौन किया, तो कैलाश श्रृंखला। जी बिल्कुल याद रखें, कैलाश श्रृंखला नेतृत्व किया था 1973 में। अब यहाँ पे याद रखें टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो कैलाश श्रृंखला। जी बिल्कुल, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो उनके नेतृत्व में 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973। तो एक पॉइंट याद रखें आपसे पूछे टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना, ए टाइगर
जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, तो 1973। किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो कैलाश श्रृंखला। देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। अब यहाँ पे देखें, आप पूछिए टाइगर ऑफ स्टेट, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। तो टाइगर ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं, जिसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने 11 राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान 11 काम है आपका मध्य प्रदेश में जी, बिल्कुल याद रखें, इसलिए टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक अलग से मैं थोड़ा सा पॉइंट, जो 2018 में आपका बाघ गणना रिपोर्ट हुआ 2018 में, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल से चलेंगे कि कौन कौन राज्य में बाघ रिजर्व है, वो लास्ट में चलेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले जो 2018 में जो आपका बाघ गणना हुआ, उसके जो जानकारी हम लोग लेते हैं, तो इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा जी, बिल्कुल पूछेगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 29 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई थी। जो आपका 2018 में बाघ गणना हुआ, तो कब हुआ, 29 जुलाई 2018 को। लेकिन यहाँ पर याद रखें, बाघ गणना पहली बार रिपोर्ट कब हुआ, यानी बाघ गणना पहली बार कब हुआ, तो 1972, ये पॉइंट याद रखेंगे। और 2018 में बाघ गणना जो हुआ आपका, जो 29 जुलाई 2018 प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्या, अब देख लेंगे थोड़ा सा, भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, ये भी सवाल याद रखें। जो 2018 की जो आपका बाघ गणना हुआ, उसके रिपोर्ट के अनुसार कितने, तो 2967 बाघों की संख्या, ये बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट पूछा, 2014 से 2018 के बीच जो बाघों की आबादी में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 33% की वृद्धि हुई, ये भी याद रखें। 2014 से 2018 के जो पिछले बार 2014 में जो हुआ था, वहाँ से लेकर 2014 से लेकर 2018 के बीच बाघों की आबादी जो में वृद्धि हुई, वो 33% की वृद्धि हुई, ये भी पॉइंट याद रखें। अब नेक्स्ट क्या पूछा, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश के ज़्यादा बाघ कितने, 231। बिल्कुल जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है, उसमें देश के ज़्यादा बाघ कितने, तो भारत के ज़्यादा बाघ जो आपका 231 है, किसमें, तो आपका जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आप चले नेक्स्ट, आप पूछे भारत के 50 बाघ अभ्यारण के 3 अभ्यारण में कोई बाघ नहीं बचा है जी। ऐसे अभ्यारण 3 जो आपका बाघ अभ्यारण है, इसमें कोई बाघ अभ्यारण नहीं बचा है। जो भारत में कुल भारत में के 50 बाघ अभ्यारण के 3 अभ्यारण में कोई बाघ नहीं बचा है, तो कौन कौन सा, तो डाम्फा बाघ अभ्यारण, बुक्सा बाघ अभ्यारण, पलामू बाघ अभ्यारण जी, बिल्कुल याद रखें। एक करंट का चीज़ है, 2018 का जो आपका गणना हुआ बाघ रिपोर्ट, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 3 अभ्यारण है, डाम्फा जो मिजोरम में, बुक्सा जो पश्चिम बंगाल में, पलामू जो आपका झारखंड में, उसमें कोई बाघ नहीं बचा है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या, भारत में कुल बाघ आबादी का 63% जो आपका यानी टाइगर रिजर्व में रहते हैं, बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे भारत में कुल जो बाघ आबादी है, उसका 63% यानी 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं जी, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है जी, बिल्कुल। जो विश्व का कुल जो आपका है, विश्व का कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है, ये भी पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्या आपसे कि एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है, बिल्कुल। क्या पूछे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, ये भी पॉइंट याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई, ये हमेशा एग्जाम में आपके को मिलेगा देखने के लिए जी, बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया, तो याद रखें 2010 पहली बार कब मनाया गया, पहली बार 2010 को मनाया गया बाघ अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, बिल्कुल। वो आपका रूस के सेंटर्स पीटवर्ग में मनाया गया था, बिल्कुल याद रखें। 2010 जो आपको पहली बार मनाया गया बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वो रूस के सेंटर्स पर्ग में मनाया गया, ये भी याद रखें, जो आपका हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्या पूछे आपसे, यहाँ पर चलेंगे हम लोग, देखेंगे कि अब 2018 का जो गणना रिपोर्ट हुआ, बाघ गणना रिपोर्ट, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे किस राज्य में बाघों की संख्या कितनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश जी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में आपको बाघों की संख्या कितनी है, 26। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सवाल बनाकर कि जो हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट हुआ 2018 के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है,
तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद रखें, मध्य प्रदेश जो आपका आंसर होगा, मध्य प्रदेश। कितने बाघ है, को की संख्या, बाघों की संख्या, तो 526, जो पहला स्थान है जी। बिल्कुल याद रखें, पहला स्थान जो भारत का पहला राज्य है जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे देखें हम लोग नेक्स्ट दूसरे नंबर की कर्नाटका। कर्नाटका में कितने बाघ है, बाघों की संख्या है, तो 524, जो दूसरे स्थान पर अभी स्थित है। बिल्कुल याद रखें, कर्नाटका जो आपका कर्नाटक है, 524 बाघों की संख्या जो आपका दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में पूछा है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, तो 442। कितने है? 442, तो तीसरा स्थान है ये आपका। बिल्कुल तो अब नेक्स्ट चौथा स्थान महाराष्ट्र का जी। बिल्कुल महाराष्ट्र में बाघों की संख्या कितनी है, तो 312 चौथा स्थान है। तो बिल्कुल इस तरह याद रखें, सवाल पूछा है कि पहला स्थान कौन से बाघों, किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा, तो कर्नाटका, 524 जी बिल्कुल याद रखें। और आपका तीसरा स्थान 442, जो आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट क्या आपका उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173। कितना, 173। अब नेक्स्ट पूछेगा सुंदरवन। सुंदरवन में पूछेगा कि बाघों की संख्या कितनी है, तो 88 जी बिल्कुल याद रखें, 88 बाघों की संख्या है। और उसके बाद आपका सबसे नीचे जो स्थान है आपका अपना बिहार, बिल्कुल जो 31 बाघों की संख्या है, बिल्कुल याद रखें। तो यहाँ पे एक सुंदरवन आपसे एग्जाम में पूछता है सुंदरवन के बारे में, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कहलाता है। इस टाइप पे भी ऑप्शन देगा आपसे एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन कौन सा आपका क्षेत्र, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो याद रखें, जो पश्चिम बंगाल में जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। तो 88 बाघों की संख्या सुंदरवन के अंदर। अब बिहार जी, बिल्कुल बिहार में कितने हैं, तो 31 जो आपका बाघों की संख्या है। तो इस तरह पे जो मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ, ये पहला वीडियो था आपका जो भारत के बाघ रिजर्व। अब हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन कौन सा नाम का जो बाघ रिजर्व किस राज्य में है, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। जैसे सुंदरवन बाघ रिजर्व किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, आपका नामेरी बाघ रिजर्व किस राज्य में, असम में। तो इस टाइप का आपसे सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, तो मैं उसका दूसरा वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जो भारत का बाघ रिजर्व के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, और 2018 का जो बाघ रिपोर्ट हुआ उसमें कितने बाघों की संख्या है, ये सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला। तो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग लाइक कर देंगे, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था ये आपका पार्ट वन बाघ रिजर्व के बारे में। तो ज़रूर बताएंगे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कर देंगे, लाइक भी जरूर करेंगे आप लोग। और जो हमारे यूट्यूब ग्रेडअप क्लासेस पर नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे जी। बिल्कुल तो नेक्स्ट में दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा बाघ रिजर्व के बारे में, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा नाम का बाघ रिजर्व है, ये नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा जस्ट। तो आप लोग को विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बिता लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ क्लासेज, जय बिहार।